आजकल आप लोग एक केस को काफी चर्चा में बना हुआ है और आप लोग देख रहे होंगे कि देश भर में उस केस की चर्चा भी चल रही है क्योंकि वो खबर में बना हुआ है। वो है शबनम और सलीम का केस। याद रखिए, ये उत्तर प्रदेश की घटना है, अमरोहे अमरोहा जिले की घटना है। तो याद रखिए, आपकी परीक्षा के पॉइंट ऑफ व्यू से घटना महत्वपूर्ण नहीं है, लेकिन आप देखते हैं कि क्षमा शक्ति की बात हो, क्षमादान शक्ति की बात हो, या फिर मृत्यु दंड की बात हो, इस तरह के क्वेश्चंस कई बार आपके डायरेक्ट प्रीलिम्स परीक्षा में भी पूछ लेता है और आपका मुख्य परीक्षा में भी क्वेश्चंस आ जाता है, या फिर आपसे और कहीं भी पूछ लेगा कि क्या फांसी देना आज भी अच्छी बात है या गलत है। तो इसके बेपक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, इसके पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, क्या आप समझ सकते हैं कि इतनी दर्द भरी घटना को अंजाम देने वाले को क्या फांसी नहीं होनी चाहिए? तो इस पर भी सवाल उठ रहे हैं। तो याद रखिए, इसका एक ओवरव्यू दे देता हूं उस घटना का। वैसे ये घटना आपके लिए महत्वपूर्ण नहीं है, ठीक है? तो ये हमारी प्यारी पृथ्वी, इसमें देखेंगे आप लोग कि ये हमारा प्यारा भारत एशिया में, इसमें जैसे ही आप लोग जाएंगे तो उत्तर प्रदेश, ये है आपका अमरोहा जिला, ये यहीं की घटना है। कहाँ की? अमरोहा जिले की घटना है। याद रखिए, 15 अप्रैल 2008 की बात है कि इनके शबनम और सलीम एक दूसरे के, मतलब आप कह सकते हैं कि प्रेमी थे, और इन्होंने अपने माँ बाप, दो भाई, शबनम ने अपने माँ बाप, दो भाई, भाभी, मौसी की लड़की और एक 7 से 8 साल 8 माह का मंत का इनका भतीजा था, उसकी भी गला रेत कर हत्या कर दी थी। तो उसी के लिए आप देख रहे हैं कि अभी तक केस चलता आया है और इन्हें हर तरह से डेथ पेनाल्टी सुना दी गई है, लेकिन इनके बेटे ने दया याचिका दायर की हुई है राष्ट्रपति को, तो इनकी एक तरह से जो फांसी होनी थी वो रुक चुकी है, ठीक है? और उत्तर प्रदेश के बारे में अगर हम बात करें तो आप लोग यहाँ अच्छे से देख सकते हैं उत्तर प्रदेश को। यह है उत्तर प्रदेश, इसकी राजधानी की बात करें तो लखनऊ है। उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? लखनऊ है। और आप सभी को मालूम होगा कि इसे इसकी स्थापना हुई थी उत्तर प्रदेश की 24 जनवरी 1950 को। उत्तर प्रदेश नए स्वरूप में आया था और उत्तर प्रदेश से अलग करके ही आपका उत्तराखंड भी बनाया गया है, इसे भी आप लोग याद रखिए। और एक बात और याद रखिए, यहाँ अगर आपसे विधानसभा सीटों की बात करें तो 403 देखने को मिलेगी, और अगर विधान परिषद की बात करें तो यहाँ 100 सीटें देखने को मिलेगी। राज्यसभा सीटों की बात करें तो उत्तर प्रदेश में 31 हैं और लोकसभा सीटें 80 हैं, यानी कि सबसे ज़्यादा सीटें हैं यहाँ, आप समझ रहे हैं, हर क्षेत्र में, क्योंकि आप समझ सकते हैं कि जनसंख्या अधिक हो गई तो सीटें अधिक होगी, इसीलिए तो आप देखते हैं कि उत्तर प्रदेश पर हर राजनीतिक पार्टी पार्टियां रोटी सेंकने की काम करती हैं कि अगर उत्तर प्रदेश का सपोर्ट उन्हें मिल गया तो वो आराम से सरकार बना सकते हैं, ठीक है? तो उत्तर प्रदेश के अगर लगे राज्यों की अगर हम बात करें उत्तर प्रदेश से, तो इसकी बिहार से भी सीमा लगती है, झारखंड से भी, और छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, राजस्थान, नई दिल्ली केंद्र शासित प्रदेश है, हरियाणा, हिमाचल प्रदेश की सीमा भी याद रखिए लगती है उत्तर प्रदेश से, और उत्तराखंड की भी सीमा उत्तर प्रदेश से लगती है। इसकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की बात करें तो नेपाल एकमात्र ऐसा देश है, एक तरह से आप कह सकते हैं कि उत्तर प्रदेश की सीमा नेपाल से लगती है अंतर्राष्ट्रीय सीमा, ठीक है? चलिए अब हम बात करते हैं इस केस के बारे में। हाल ही में उत्तर प्रदेश के अमरोहा जिले की शबनम की याचिका, दया याचिका की वजह से फांसी की सजा टल चुकी है। आप लोगों के दिमाग में अब आ रहा होगा कि ये दया याचिका होती क्या है, किसके पास शक्ति होती है दया देने की एक तरह से, तो क्षमादान की शक्ति याद रखिए राष्ट्रपति के पास भी होती है और राज्यपाल के पास भी होती है। तो भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद आपका 72 है, यानी कि आर्टिकल 72 है, इसके अनुसार राष्ट्रपति को क्षमादान की शक्ति और कुछ मामलों में दंडादेश के निलंबन, परिहार या फिर लघुकरण की शक्ति प्राप्त है। आप चाहे अगर राष्ट्रपति साहब चाहें तो किसी की मृत्यु दंड को भी माफ कर सकते हैं या उसकी एक तरह से आपके ये सजा में भी बदलाव कर सकते हैं। जैसे आप समझिए कि उम्र कैद की सजा है तो उसे कम घटा कर करना, या किसी को डेथ पेनाल्टी मिली हुई है तो आजीवन कारावास कर देना, इस तरह की व्यवस्था कि शक्ति किसके पास है? राष्ट्रपति के पास। और याद रखिए, अनुच्छेद 161 के तहत राज्यपाल को भी क्षमादान की शक्ति मिली हुई है, लेकिन यह शक्ति मृत्यु दंड के लिए नहीं है। राष्ट्रपति के पास शक्ति है कि मृत्यु दंड को भी निलंबित कर सकता है, लेकिन याद रखिए राज्यपाल के पास ऐसी कोई शक्ति नहीं है। लेकिन एक क्वेश्चन आपका इस तरह के बन चुके हैं कई बार कि राज्यपाल को किस आर्टिकल के तहत क्षमादान की शक्ति दी गई है, तो याद रखिए 161 और राष्ट्रपति को 72 के तहत। इसीलिए तो कहता हूँ कि आप लोग पुराने क्वेश्चंस पेपर उठा के देख लिया करिएगा, आपको मालूम चल जाएगा कि किस तरह के क्वेश्चंस पूछे जा रहे हैं, ठीक है? राष्ट्रपति
राज्य सरकार से स्वतंत्र होकर क्षमा की अपनी शक्ति का प्रयोग नहीं कर सकते हैं। याद रखिए, ऐसा नहीं है कि राष्ट्रपति अपने स्वविवेक के तहत कोई भी क्षमादान किसी को कर दे, ऐसा नहीं है, ठीक है। राष्ट्रपति मंत्रिमंडल की सलाह लेने के लिए इस दया याचिका को गृह मंत्रालय के पास भेजता है, और इसीलिए तो आप लोग कहते हैं कि हमारा राष्ट्रपति एक रबड़ की मुहर है, कि अपने पास उसकी कोई शक्ति नहीं है। मंत्री पर मंडल जो भी कहेगा उन्हीं को बातों को मानेगा। मंत्रालय इससे संबंधित राज्य सरकार को भेजता है और जवाब के आधार पर यह मंत्रिपरिषद की ओर से अपनी सलाह तैयार करता है। कई मामलों में उच्चतम न्यायालय ने फैसला दिया है कि दया याचिका पर निर्णय लेते समय राष्ट्रपति को मंत्रिपरिषद की सलाह पर कार्य करना होगा, यानी कि अनिवार्य है। इस संबंध में 1980 में मारू राम बनाम यूनियन ऑफ इंडिया और वर्ष 1994 में धनंजय चटर्जी बनाम पश्चिम बंगाल राज्य के मामले कुछ महत्वपूर्ण है। अगर दया याचिका पर क्वेश्चंस लिखने के लिए आता है तो इन केसों का आप लोग उपयोग कर सकते हैं वहां, ठीक है। राष्ट्रपति कैबिनेट की सलाह मानने के लिए बाध्य, लेकिन अनुच्छेद 74(1) उन्हें एक बार पुनर्विचार के लिए इसे वापस भेजने की शक्ति देता है। एक तरह से आप लोग ऐसे इस तरह से भी समझ सकते हैं कि मान लीजिए पिताजी ने आपको कुछ बात करने के लिए कहा है कि जाइए आप बाजार से कुछ सामान ले आइए, तो उनकी बात आपको माननी पड़ेगी, कोई आपके पास दूसरा विकल्प नहीं है। लेकिन एक आपको मौका ये भी दिया गया है पिताजी के द्वारा एक तरह से, कि आप कह सकते हैं पिताजी दूसरे को भेज दीजिए, आप एक बार उन्हें पुनर्विचार के लिए कह सकते हैं। लेकिन अगर पिताजी ने दोबारा उसी तरह की बात कही तो आपको वो माननी होगी। तो यही राष्ट्रपति के मामले में है, ठीक है। यदि मंत्रिपरिषद किसी भी बदलाव के खिलाफ फैसला करती है तो राष्ट्रपति के पास इसे स्वीकार करने के अलावा कोई विकल्प नहीं होता है। तो ये तो हो गई आपकी राष्ट्रपति और राज्यपाल की दया याचिका पर एक तरह से जो भी शक्ति है इनके क्षमादान की उसके बारे में। अब वापस हम लोग इसी टॉपिक पे आते हैं। अगर फांसी की सजा शबनम को दी जाती है तो याद रखिए आज़ादी के बाद भारत में यह पहली बार होगा कि किसी महिला अपराधी को फांसी की सजा दी जाएगी। और आप सभी जानते हैं कि 15 अगस्त 1947 के बाद ही की बात की जा रही है, क्योंकि हम लोग 15 अगस्त 1947 को आज़ाद हुए थे। शबनम और सलीम को मृत्यु दंड देने से एक बार फिर यह मुद्दा उभर कर सामने आया है कि अपराधों को रोकने हेतु क्या भारत में मृत्यु दंड देना प्रासंगिक है अथवा नहीं। आखिर होता क्या है मृत्यु दंड, यानी कि डेथ पेनाल्टी होती क्या है? तो याद रखिए मृत्यु दंड को कैपिटल पनिशमेंट या फिर डेथ सेंटेंस सेंटेंस के नाम से भी आप लोग जानते हैं। इसमें दंड के रूप में किसी अपराधी के जीवन जीवन को समाप्त कर दिया जाता है, और यह दंड किसी व्यक्ति को गंभीर अपराध के लिए दिया जाता है। हत्या, हत्या के प्रयास, राज्य के विरोध, सशक्त विद्रोह इत्यादि जैसे अपराधों में मृत्यु दंड का प्रावधान भी किया गया है। कुछ समय पहले आप लोगों ने देखा होगा निर्भया के चार जो गुनेगार थे उन्हें भी एक तरह से फांसी दी गई थी। अब बात आती है कि मृत्यु दंड के पक्ष में क्या तर्क दिए जाते हैं, क्या मृत्यु दंड होना चाहिए, डेथ पेनाल्टी होनी चाहिए, इसके पक्ष में भी कुछ लोग हैं, क्या कहते हैं वो। भारत में मृत्यु दंड जैसे कठोर सजा का बनना बना रहना आवश्यक समझा जाता है। दक्षिण एशिया में भारत के पड़ोसी देश भारत को अस्थिर करने में के लगातार प्रयास करते रहते हैं, और पाकिस्तान की आतंकवाद समर्थन की नीति भारत की आंतरिक बवाह दोनों सुरक्षा को खतरे में डालती है। इसलिए विधि आयोग ने भी भारत में मृत्यु दंड बने रहने का समर्थन भी किया है। और याद रहे कि मृत्यु दंड की अक्सर मांग उन देशों द्वारा उठाई जाती है जिनके यहाँ आर्थिक समृद्धि अच्छी है और आंतरिक बवाह सुरक्षा की चुनौतियां लगभग नगण्य है, ना के बराबर है। लेकिन हमारे यहाँ आप देखते हैं कि आए दिन सुनते रहते हैं कि यहाँ आतंकी हमले हुए, यहाँ एक तरह से इस तरह की घटनाएं हुई, ठीक है। और किसी भी दंड के प्रभाव को इस आधार पर नहीं जाना चाहिए कि इसका प्रभाव अपराधियों पर कैसा है, बल्कि इसे जांचने का व परखने का आधार संपूर्ण समाज होना चाहिए। यदि कोई दंड समाज की रक्षा करने व स्थिरता कायम करने के में सक्षम है तो उसका उसकी व्यवस्था बना रहना उचित है। और जघन्य अपराध करने वाले व्यक्ति को सुधार के नाम पर कठोर सजा यानी कि मृत्यु दंड इत्यादि से वंचित किया गया हो तो अपराध के प्रति समाज में भय कम व्याप्त होगा और अराजकता की स्थिति उत्पन्न हो सकती है। जीवन की पवित्रता को तभी संरक्षित किया जाना जा सकता है जब इसे अपवित्र करने वालों को आनुपातिक रूप से दंडित किया जाए। आप समझिए, अगर आप समझिए कि हमारे देश से अगर डेथ पेनल्टी खत्म हो जाती है तो लोगों में कम भय हो जाएगा। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि वो कहेंगे कि चलिए बाहर खाना है, अंदर खाते रहेंगे, पड़े रहेंगे,
एक मृत्यु दंड क्या रहता है कि डर बना रहता है, समझ रहे हैं आप लोग? तो ये भी एक तरह से तर्क दिया जाता है इसके पक्ष में। अगला है आपका मृत्यु दंड का प्रावधान प्रतिशोधात्मक न्याय पर आधारित नहीं है, बल्कि यह समाज से घृणा दूर करने और समरसता व्याप्त करने का उपबंध करता है। संविधान में भी मौलिक अधिकारों यथा जीवन के अधिकार इत्यादि को युक्तियुक्त निर्बंधन के साथ उपलब्ध कराया गया है। यानी कि क्या मतलब आपका ये है कि मौलिक अधिकार जो आपको दिए गए हैं, देखिए मौलिक अधिकार आपके वहां तक होते हैं जहां दूसरे के मौलिक अधिकारों का हनन ना हो। मान लीजिए कि आपके अधिकार वहां तक हैं जहां तक मेरे अधिकार का हनन ना हो सके आपके अधिकारों के। जैसे ही आपके अधिकारों के द्वारा मेरे अधिकारों का हनन होता है, वहीं आपके अधिकारों पर प्रतिबंध लगा दिया जाएगा। ठीक है, याद रखिए। समाज के हितों को यदि लघुकालिक एवं दीर्घकालिक रूप में सुरक्षित करना है, तो बड़े बड़े अपराधियों जैसे शबनम और सलीम आदि या फिर कई लोगों को एक साथ मौत के घाट उतारने वाले आतंकियों यथा आपने देखा होगा अजमल कसाब हो गया, याकूब मेनन हो गया, को मृत्यु दंड जैसी सजा देने के अतिरिक्त कोई विकल्प नहीं बचता है। आप लोग खुद सोच के देख सकते हैं, क्या शबनम और सलीम को माफ कर देना चाहिए? आप समझ सकते हैं कितनी जघन्य एक तरह से घटना है। आप समझ, रूह कांप जाएगी। तो आप समझ सकते हैं कि आप भी कहेंगे कि हाँ मिलनी चाहिए, जिससे क्या होगी, लोगों को सीख मिली। ठीक है, आगे है आपका आपका कार्ल मार्क्स व कांट जैसे चिंतकों का भी मानना है कि किसी अपराध के पीछे व्यक्तिगत हित से अधिक सामाजिक हितों को वरीयता प्रदान करनी चाहिए। और इसी प्रकार उपयोगितावादी दर्शन भी कहता है कि अधिकतम व्यक्तियों का अधिकतम सुख तभी निर्धारित हो सकता है जब समाज अपराधीकरण से मुक्त हो पूरी तरह से। इसलिए कहा जाता है कि मृत्यु दंड होना चाहिए। अब इसके विपक्ष में भी कुछ लोग बोलते हैं कि मृत्यु दंड यानी कि फांसी नहीं होनी चाहिए। ये लोग क्या कहते हैं? तो विभिन्न मानवाधिकार कार्यकर्ताओं और अन्य विद्वानों का मानना है कि मृत्यु दंड सजा के उद्देश्य को सही मायने में पूरा नहीं करता है, इसे हटा देना चाहिए। और मृत्यु दंड के विपक्ष में उनके द्वारा कई तरह तर्क भी दिए जाते हैं जिनकी आगे चर्चा भी की गई है। ये भी कहा जाता है इनके द्वारा कि आप समझिए कि एक बार किसी को आपने फांसी दे दी है, वो मर चुका है, तो आप समझिए कि उसकी कहानी निपट चुकी है और एक बार में उसकी लीला खत्म कर दी है। ऐसा भी कहा जाता है कि उसे घुट घुट के मरना चाहिए, इस तरह की कोई सजा होनी चाहिए, उसे अनुभव होता रहे कि हाँ उसने गलत किया है। ठीक है, किसी भी समाज में सजा दंड का मुख्य उद्देश्य अपराधियों को सुधारने का होता है, और इसलिए जब उन्हें मृत्यु दंड सुनाया जाता है तो सजा दंड का उपयुक्त उद्देश्य पूरा नहीं होता है और अपराधी के सुधरने के सभी रास्ते बंद हो जाते हैं। आप समझ सकते हैं किसी ने कुछ कर दिया, उसे अगर डेथ पेनाल्टी मिल चुकी है, समझ रहे हैं आप लोग, उसे डेथ पेनाल्टी दे दी गई है, तो आप समझिए उसमें कोई सुधार करने की बात ही नहीं रह जाती है। ठीक है, तो ये भी विपक्ष में तर्क दिया जाता है। ठीक, पृथ्वी पर किसी भी प्राणी को जीवित रहने और यथोचित रूप से जीवन यापन करने हेतु प्रकृति में अन्य अधिकार दिए गए हैं, और जीवन के अधिकार का दर्शन कहता है कि यदि मनुष्य किसी को जीवन दे नहीं सकता तो उसे जीवन को छीनने का भी अधिकार नहीं है। और याद रखिए, अगर इस तरह का क्वेश्चन आता है तो आप लोगों को बड़े बैलेंस बनाकर लिखना होगा वहाँ। ठीक है, इसके पक्ष में भी आप लोगों को तर्क देने होंगे, विपक्ष में भी आपको बोलना होगा। ठीक है, जीवन का अधिकार ये एक ही रूप में छीना जा सकता है जब आत्मरक्षा का सवाल हो, लेकिन राज्य द्वारा दिया गया मृत्युदंड आत्मरक्षा ना होकर एक प्रकार की सजा है। और न्याय का पुनर्विचार का सिद्धांत कहता है कि न्यायालय या अन्य के द्वारा उपलब्ध कराया गया निर्णय अपने आप में अंतिम नहीं होता है, उसमें हमेशा व्याख्या एवं सुधार की गुंजाइश बनी रहती है। इसके बारे में हम लोग कुछ बोल भी नहीं सकते हैं। ठीक है, कुछ विद्वान मृत्यु दंड को प्रतिशोधात्मक न्याय की संज्ञा देते हैं और अपराध पर अंकुश लगाने की इसकी प्रभावशीलता को संदेहात्मक मानते हैं। अभी तक ऐसे कोई भी आंकड़े या तथ्य उपलब्ध नहीं है जो यह सिद्ध करते हो कि मृत्यु दंड जैसे कठोर सजा के प्रावधानों ने समाज में अपराधीकरण की प्रवृत्ति को कुंदे किया है या कम किया है। ठीक है, और आप देखते हैं कि भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 21 है, जीवन के अधिकार की गारंटी देता है। जीवन का अधिकार अन्य सभी मानवाधिकारों के लिए रीढ़ की हड्डी का काम भी करता है और यह सभी अधिकारों का को आधार भी प्रदान करता है। और याद रखिए, आपके मौलिक अधिकार संविधान के भाग 3 में आप देखते हैं कि 12 से लेकर 35 तक दिए गए हैं। और दूसरी ओर आप देखेंगे दंड के सुधारात्मक सिद्धांत के समर्थकों का मानना है कि मृत्युदंड की व्यवस्था जीवन के अधिकार को समाप्त करने के साथ साथ
मानवीय गरिमा को भी क्षति पहुंचाता है और किसी अपराधी को सुधरने के अवसर से वंचित कर देता है। ये कई बार आपने देखा होगा, सुना होगा कि इंटरव्यू में भी क्वेश्चन आ चुका है इस तरह का, क्या किसी को इस तरह की पेनल्टी, डेथ पेनल्टी दी जानी चाहिए। तो आप समझिए कि कोई बार बार इस तरह के अपराध करता है और सुधरने का नाम नहीं लेता है, क्या तब भी रोक देनी चाहिए? इस तरह के भी सवाल उठते हैं। ठीक है, अभी तक किसी भी अध्ययन से यह सिद्ध नहीं हो पाया है कि मृत्युदंड आजीवन कारावास से अधिक प्रभावशाली है और यह हत्या, आतंकवाद, यौन हिंसा या फिर अन्य जघन्य अपराधों को रोकने में सक्षम रहा है। अगर भारत के संदर्भ में हम लोग देखें तो मृत्युदंड में से सबसे ज्यादा प्रभावित गरीब व पिछड़े लोग हुए हैं। अधिकतर सरकार की ओर से कानूनी सहायता प्राप्त करने वाले कैदियों को मृत्युदंड की सजा मिलती है, जबकि इसके विपरीत धनवान व निजी वकीलों की फौज रखने वाले लोगों को ना कि बार बार मृत्युदंड मिला है। तो ये तो आप लोग भी जानते हैं कि देखिए जो नियम कानून होते हैं, ये बीच का जो मिडिल परिवार है, या फिर आप समझ सकते हैं कि जो गरीब परिवार है, इन्हीं लोगों के लिए होता है। बड़े लोग आप एक तरह से छूट जाते हैं। कई बार आप लोगों ने इस तरह के मामले भी देखे होंगे कि एक व्यक्ति को एक कोई अपराधी, मतलब किसी भी उसमें दोष, उस पर दोष साबित होता भी नहीं है। जैसे मान लीजिए किसी इनका FIR में नाम आ गया है, वो उसे पुलिस ने पकड़ लिया और कहते हैं कि उसे 20 साल तक रखा गया जेल में और लास्ट में उससे कह दिया गया कि आपने कोई दोष नहीं, आपने कोई अपराध नहीं किया। तो आप समझिए उसकी जिंदगी के आप 20 साल तो आपने ले लिए ना। ये एक केस और आपने सुना होगा कि एक महिला के साथ बलात्कार होता है और उसे महिला को उसके महिला के केस का जब फाइनल डिसीजन आता है तो उसे मरे हुए 10 साल हो चुके होते हैं। तो आप समझ सकते हैं कि वो मिडिल या फिर गरीब परिवारों के लिए इस तरह की लंबा टाइम लगता है। अमीर लोग तो आपने देखता है देखा होगा कि व्यवस्था कर लेते हैं आराम से। ठीक है, ये तो सामान्य सी बात है। मृत्युदंड को निष्पक्ष या फिर तर्कसंगत रूप से नियंत्रित करना लगभग असंभव है और विभिन्न न्यायाधीशों ने अपनी विचारधारा के अनुसार ही मृत्युदंड पर निर्णय लिया है और यही कारण है कि प्रति 1 लाख हत्या के केसों में सिर्फ 5 से मामलों पर ही मृत्युदंड की सजा पर मुहर लगाई गई है। ठीक है, और विभिन्न राष्ट्रपतियों ने भी अपनी विचारधारा के अनुसार ही दया याचिका पर निर्णय लिया है और इस प्रकार स्पष्ट है कि मृत्युदंड के संबंध में भारत में कोई स्पष्ट नीति ना होकर विभिन्न न्यायाधीश पर राष्ट्रपतियों की इच्छा पर निर्भर करती है और ऐसे संवेदनशील मामलों में विषयनिष्ठता का होना अनुचित भी है। अब बात कर लेते हैं कि संयुक्त राष्ट्र महासभा का मृत्युदंड पर क्या दृष्टिकोण है, यानी कि संयुक्त राष्ट्र महासभा क्या कहती है इस पर। तो अधिकांश देशों में ने मृत्युदंड के प्रावधान को समाप्त कर दिया है और कुछ देश इस दिशा में प्रयासरत भी है। संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा कहा गया है कि मृत्युदंड के निवारक मूल का कोई निर्णायक सबूत नहीं है, तो इसे भी आप लोग लिख सकते हैं। और संयुक्त राष्ट्र की महासभा जनरल असेंबली ने सन 2007, 2008, 2010, 2012 और 2014 में मृत्युदंड के सिद्धांत के विपरीत गैर बाध्यकारी संकल्पों को पारित भी किया और सदस्य देशों से आह्वान किया है कि वह अपने यहाँ इस तरह की कठोर सजा के कानूनी प्रावधानों का उन्मूलन करे। इसलिए दुनिया के ज्यादातर देशों ने मृत्युदंड को समाप्त कर दिया है, लेकिन दुनिया की 60% से अधिक आबादी वाले उन देशों में रह रही है जहां मौत की सजा अभी भी बरकरार है, जिसमें आप देखेंगे चाइना हो गया, भारत हो गया, संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया, इंडोनेशिया हो गया, पाकिस्तान, बांग्लादेश, नाइजीरिया, इथोपिया, मिस्र, सऊदी अरब, ईरान, जापान, दक्षिण कोरिया, ताइवान, इन सभी देशों में अभी भी एक तरह से फांसी की सजा दी जाती है। ठीक है, मृत्युदंड पर भारतीय परिदृश्य की अगर हम बात करें तो हत्या के मामले में IPC की धारा 302 के तहत न्यायाधीश मौत की सजा और आजीवन कारावास के बीच चयन कर सकता है, यानी कि मृत्युदंड का निर्णय न्यायाधीश के विवेक पर छोड़ दिया गया है। तो आपने देखा होगा कि किसी पर अगर 302 की धारा लगती है तो उसे डेथ पेनाल्टी भी दी जा सकती है या फिर आजीवन कारावास भी दिया जा सकता है। 1980 में बचन सिंह बनाम पंजाब राज्य के मामले में सुप्रीम कोर्ट की संवैधानिक पीठ ने मौत की सजा की वैधता को बरकरार रखते हुए कहा कि मृत्युदंड को दुर्लभतम मामलों में ही दिया जाना चाहिए, जिसमें हत्या, राजद्रोह या फिर अन्य जघन्य अपराध हो सकते हैं। दिसंबर 2012 में दिल्ली में एक युवती के सामूहिक बलात्कार के बाद सन 2013 में भारतीय दंड संहिता में संशोधन किया गया, जिसमें जघन्य रूप से बलात्कार करने वाले बालिक एवं नाबालिग दोनों के लिए फांसी का प्रावधान किया गया है। विधि आयोग ने सन 2015 में अपनी रिपोर्ट में कहा कि भारत में मृत्युदंड की सजा नीति उपयुक्त तरीके से क्रियान्वित नहीं हो पाई है,
यह कई बार न्यायाधीशों के द्वारा मनमाने एवं गलत तरीके से लागू की गई है। वर्तमान की बात करें तो भारत में पॉक्सो कानून 2012 और आईपीसी में संशोधन करके 12 वर्ष से कम उम्र की बच्चियों से बलात्कार करने वालों को मृत्यु दंड का प्रावधान किया गया है। आगे की राय क्या हो सकती है इसमें? मृत्यु दंड के विपक्ष में मत रखने वाले अक्सर यह भी दलील देते हैं कि भारत में मृत्यु दंड की प्रक्रिया को व्यवहारिक धरातल पर उचित रूप से क्रियान्वित नहीं किया जाता है, जिसमें से निर्दोष लोग सबसे ज्यादा प्रभावित होते हैं, और इस ऐसी स्थिति में मृत्यु दंड की प्रक्रिया के क्रियान्वयन को त्रुटि रहित और मजबूत बनाना होगा, ना कि मृत्यु दंड के प्रावधान को हटा ही देना चाहिए। हालांकि केंद्र व विभिन्न राज्य सरकारों और न्यायालय ने इस दिशा में काफी सराहनीय कदम भी उठाए। आप समझ सकते हैं, क्योंकि आप जो भी न्यायालय में केस रहता है, देखिए वो साक्ष्यों के आधार पर चलता है, और कई बार आपने देखा होगा कि निर्दोष व्यक्ति भी फंस जाता है, तो उसी की बात की जा रही है। सरकार को मृत्यु दंड के संबंध में एक उपयुक्त नीति बनानी होगी, ताकि ऐसे संवेदनशील मामलों में एकरूपता लाई जा सके। इसके अलावा भारतीय न्यायिक व्यवस्था को भी सुदृढ़ता प्रदान करनी होगी, और जिससे कि त्वरित व त्रुटिपूर्ण निर्णय प्राप्त हो सके। सरकार को जांच एजेंसियों की भी जिम्मेदारी तय करनी चाहिए, ताकि कोई भी प्राधिकारी अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके निर्दोष व्यक्ति को फंसा ना सके। तो ये है आपकी पूरी कहानी फांसी की या फिर डेथ पेनल्टी की, ठीक है? और याद रखिए, इसमें आप हम लोग कुछ अपने तरफ से नहीं जोड़ सकते। आप देख रहे होंगे कि क्या कह सकते हैं इस पर, ना ही हम लोग संवेदनाओं में बहकर कुछ बोल सकते हैं। इसलिए बड़ा आपको बैलेंस बना के लिखना होगा और बैलेंस बनाकर सोचना भी होगा। अब आप समझ सकते होंगे, कई लोगों के मन में चल रहा होगा कि उसके बेटे ने एक तरह से क्या गलती है, और बेटे ने दया याचिका लगाई हुई है, तो अगर बेटे के परिप्रेक्ष्य में कोई देखेगा तो कहेगा कि माफ कर देना चाहिए, और लेकिन दूसरी तरफ अगर उसके अपराधों को याद करेगा तो लोग कहेंगे कि उसे फांसी होनी चाहिए। तो निष्कर्ष पर पहुंचना बड़ा मुश्किल होता है इस तरह के मामलों में। एक आरक्षण का मामला हो गया आपका, इस पर भी बोलना बड़ा आपका ये भी कह सकते हैं कि बड़ा कठिन होता है, ठीक है? इसलिए कहा जाता है कि सबको बीच का रास्ता चुनना है। पॉजिटिव पॉइंटों को भी देखना है और नेगेटिव पॉइंटों को भी देखना है, ठीक है? और दया याचिका से भी आपके क्वेश्चंस कई बार आ चुके हैं, ठीक है? और इस तरह के क्वेश्चंस बनते रहते हैं, ठीक? तो पढ़ लीजिए इसके बारे में।